अमरावती में पहली साइकिल लाने का बहुमान सर मोरोपंत जोशी को जाता है। उन दिनों इक्का दुक्का साइकिलों का ये शहर आज हजारों की तादाद में साइकिल धारक बना है। कभी 3 अंकों में मिलने वाली साइकिल आज हजारों और लाखों के घर में कीमतें प्राप्त कर गई है। खैर, आज दिनांक 23 दिसंबर को आगामी 8 जनवरी को आयोजित साइकिल दौड़ स्पर्धा की जानकारी अमरावती साइकिल एसोसिएशन द्वारा दी गई। समाचार संकलन अशोक भाई जोशी। आयोजित करण्यात येणार आहे याबद्दल विस्तृत माहिती देण्यासाठी मी स्पर्धेचे आयोजन सचिव लक्ष्मीकांत खंडेकर साहेबांना आमंत्रित करतो। धन्यवाद। धन्यवाद। आयोजन सचिव डॉक्टर लक्ष्मीकांत खंडागळे, ये जो टूर्नामेंट होने जा रही है वो अमरावती साइकिलिंग एसोसिएशन द्वारा होने जा रही है। 8 जनवरी को ये अपनी साइकिलिंग टूर्नामेंट, फर्स्ट टाइम साइकिलिंग जिला स्तरीय के टूर्नामेंट अपने यहाँ पर होने जा रही है। ये जो साइकिलिंग की स्पर्धा है ये फर्स्ट टाइम अमरावती में हो रही जिला स्तरीय, क्योंकि जिला स्तरीय स्पर्धा जो है हमारे यहाँ पर आज तक हुई नहीं है, क्योंकि ये स्पर्धा फर्स्ट टाइम अमरावती में यहाँ पर होने जा रही है। साथ ही साथ इस स्पर्धा में अलग अलग एज ग्रुप यहाँ पर रखे हुए हैं, जिसमें 14, 17, 19 और 25, ये चारों भी अलग अलग एज ग्रुप के, जिसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों भी यहाँ पर रखे हुए हैं। दोनों के अलग अलग डिस्टेंस रखा हुआ है, 14 के लिए गर्ल्स के लिए 10 किलोमीटर, बॉयज़ के लिए 12 किलोमीटर, 17 में जो रखा हुआ है वो गर्ल्स के लिए रखा हुआ है 15 किलोमीटर और बॉयज़ के लिए रखा हुआ है 17 किलोमीटर। तो 19 में 25 किलोमीटर बॉयज़ के लिए और 20 किलोमीटर गर्ल्स के लिए। ओपन में दोनों ग्रुप के लिए हमने 40 किलोमीटर रेस रखा हुआ है, इसीलिए ओपन में रोड बाइक यहाँ पर अलाउ है। 14, 17, 19 इन चारों ग्रुप में रोड बाइक अलाउ नहीं है, वहाँ पर कोई भी साइकिल गियर की यूज़ कर सकते हैं या सादी साइकिल यूज़ कर सकते हैं, ये सब यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ सभी साइकिलिस्ट को हेलमेट कंपलसरी है, हेलमेट के बिना किसी को भी हम अलाउ करने वाले नहीं हैं। सिक्योरिटी के हिसाब से हमने 5 अलग अलग डॉक्टर्स के बूथ बनाए हुए हैं, जिसमें 5 अलग अलग एम्बुलेंस रहने वाली है, जिसमें हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से 2 एम्बुलेंस वहाँ पर अरेंजमेंट है, उसके बाद ड्रीम्स हॉस्पिटल से हैं और डॉक्टर देशमुख की तरफ से एक हॉस्पिटल से वहाँ पर एक एम्बुलेंस और उनके यूनिट वहाँ पर रहने वाला। ऐसे 5 सिक्योरिटी के हिसाब से 5 अलग अलग हमने वहाँ पर सिक्योरिटी के हिसाब से अरेंजमेंट किया हुआ है। इसके साथ साथ कैश प्राइज भी इनके लिए रखा हुआ है, क्योंकि ये कैश प्राइज रहा तो बच्चों में काफ़ी आकर्षण होता है, तो 80,000 के कैश प्राइज हमने रखा हुआ है। पहला प्राइज है 5,000, दूसरा प्राइज है 3,000 और तीसरा प्राइज है हमारा 2,000। ऐसे अलग अलग तीनों जो है जितने भी ग्रुप हैं उन सभी के लिए एक समान प्राइज़ है, इसलिए टोटल प्राइस की जो कैश प्राइज है 80,000 की। इसके अलावा जो फर्स्ट 30 यानी पहले 30 में जो फिनिश करने वाले हैं उनको हम हेलमेट भी प्रोवाइड कर, हेलमेट देने वाले हैं, यानी पहले 30 अगर जो आते हैं तो उनको 30 हेलमेट पहले 30 नंबर को हम देने वाले हैं वो आयोजन के ऑर्गेनाइजर के तरफ से। और इसके अलावा एक सुविधा इन सभी के लिए रखा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास साइकिल है लेकिन हेलमेट नहीं है, तो हेलमेट लाने के लिए उसको आज 800 रुपये का हेलमेट नहीं ला सकता है, हमने 1,300 रुपये का हेलमेट इन सभी साइकिलिस्ट के लिए रखा हुआ है। यानी आयोजन के तरफ से जिनके पास हेलमेट नहीं है उनको हेलमेट भी दिया जाएगा, यानी विदाउट हेलमेट हम कोई भी स्पर्धा यहाँ पर कंप्लीट करने वाले नहीं हैं। तो इसलिए ये स्पर्धा एक अलग तरीके से यहाँ पर होने जा रही है, और आज तक यहाँ पर जो कंपटीशन लिया जाता था उसमें मैनुअल टाइमिंग लिया जाता था, यानी टाइम कीपर के उसमें काफ़ी सारे झगड़े होना, ये होना, ऐसा होता था, लेकिन हमने फर्स्ट टाइम कंपटीशन होने के बावजूद भी हमने बीप नंबर यानी कंप्यूटर राइज पूरा है, वहाँ पर बीप नंबर हर एक साइकिलिस्ट को दिया जाएगा, उसके आधार पर वो बीप के आधार पर उनका टाइमिंग अपने आप वहाँ पर नोट किया जाएगा, उसी के आधार पर उसको डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा। और फिनिशर जो भी साइकिलिस्ट है हमारे, उन सभी साइकिलिस्ट को मेडल, फिनिशर मेडल के तौर पे उनको दिया जाएगा, यानी फिनिशर मेडल की भी व्यवस्था सभी के लिए की गई है। इसके अलावा जो पार्टिसिपेंट यहाँ पर जा रहे हैं, जिस स्कूल से पार्टिसिपेंट सबसे ज़्यादा होंगे
उन स्कूल के जो टीचर्स हैं, जो स्पोर्ट्स टीचर करके होते हैं, उनको हम स्पेशली वहाँ का उनका एक मोमेंटो द्वारा उनका फेलिसिटेशन भी हम करने वाले हैं। यानी ऐसा आज तक किसी ने भी किया नहीं, क्योंकि अगर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना है तो यहाँ पर जितने भी हमारे जो व्यवसायी लोग हैं उसके साथ साथ हमारे जितने भी सभासद हैं, मेंबर हैं, इन सभी का योगदान है और इन्हीं के आधार पर ये स्पर्धा यशस्वी होने के लिए प्रयास सभी के तरफ से होने जा रहा है और ये स्पर्धा 100% यहाँ पर यशस्वी होगी ऐसा हमारा कयास है। और इसमें हमारा जो टारगेट है वो मिनिमम 500 लोग यहाँ पर, 500 जो अमरावती के अलग अलग साइक्लिस्ट है उनको लाना है और 500 लोग के साथ साथ आने वाले पेरेंट, आने वाले युग में पर्यावरण के दृष्टि से हमने अमरावती को और अच्छा पर्यावरण बढ़ाने के दृष्टि से, अच्छा रखने के दृष्टि से ये काम करने की कोशिश इस संगठन द्वारा की जा रही है। तो यहाँ तक मेरा ये कंपटीशन का एक मेन टारगेट हमारा यहाँ पर था। धन्यवाद।